राहुल गुंडाजिन, मैं हूं आपका मेजबान करीम मलिक। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। चंद माह पहले खातून आड़ू चैनल के तवस्से से पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई, जो चाइनीज आंटी के नाम से वायरल हुई। अब जानते हैं कि वायरल होने के बाद उनकी लाइफ कैसी रही और उसके बाद उनकी जिंदगी में कितना फर्क आया, कारोबार में कितना फर्क आया और लोगों ने कितना सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब वीडियो वायरल हो गई उसके बाद कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहा, कितना लोगों ने सपोर्ट किया, कितनी पब्लिक आई? माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया से भी हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमारे यहाँ आर ओ का सपोर्ट बहुत था हमें, तो ये कि बहुत ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट रहा और इनकम भी हमारी अच्छी हुई है और ज़्यादा ज़्यादा आगे भी हम बहुत ज़्यादा अपनी फेमस बहुत हुए हैं माशाल्लाह। मैंने सुना माशाल्लाह बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी गए, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नेता यासिर के साथ बहुत अच्छा रहा, शाइस्ता लोधी के साथ हमारा अच्छा रहा। लोग आपके जायके के बारे में क्या कह रहे हैं? पहले तो आपकी चंद डिशेस थी, अब मैंने सुना है कि आप डिशेस भी बढ़ा रही हैं, आगे क्या लाने का इरादा लोगों के लिए और क्या लेके आ रही हैं? जी, अभी हमने पास्ता इंट्रोड्यूस कराया था थोड़े दिन पहले, अभी आगे भी मतलब उसको हम लॉन्च रखेंगे अपने पास्ता को। दो किस्म के थे हमारे, वाइट सॉस पास्ता था, रेड सॉस पास्ता था, लेकिन इवनली आगे फर्दर हम पिज़्ज़ा सॉस भी लेकर आएंगे, अल्पिनो भी लेकर आएंगे और सेल्सा भी लेकर आएंगे और साथ ही शवरमा भी हमारा, क्योंकि जगह आपको पता है थोड़ी कंजस्टेड है, बट आई होप के जो है वो अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। प्राइस के हवाले से मुझे बताएं, प्राइस वही है या कुछ चेंजेस लेके आए? आप लोगों ने कहा था कार्ड में भी शिफ्ट करेंगे, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह कार्ड में करेंगे, लेकिन आप जो कि खुद देख रहे हैं महंगाई बहुत है, तो मुझे ये नहीं कि हम लोग को वायरल होने के बाद हमने कहा कि नहीं भाई हम फ़ौरन से बेशतर अपना हमारे रेट्स जो है वो चेंज कर दें, डिफरेंट कर दें सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, टेस्ट भी हमारा वही है, बट रेट जो है थोड़े से हमने अप एंड डाउन करके ओनली 50 रुपीज़ जो है वो हमने चार्ज अपना बढ़ाया है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से बढ़ाया है। ये ना समझे प्लीज़ लोग कि मैंने वायरल होने के नाते बढ़ाया, लोगों को भी पता है एवरीथिंग जो है वो चेंज हो गई है, महंगाई उरूज पे है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ मैंने बढ़ाए हैं। तो शायद मुझे लगता है लोगों ने जहाँ तक मुझे इतना रिस्पांस दिया है ना, वो ये भी नहीं देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से लोग रिस्पांस कर रहे हैं, और दूसरी बात मुझे वो खुद कह रहे हैं कि आपको बढ़ाने भी चाहिए इस महंगाई के हिसाब से। सोशल मीडिया के पावर के बारे में क्या कहेंगे कि एक वीडियो वायरल हो जाती है एक चैनल से, हमारे चैनल है, उससे वायरल होने के बाद इतना माशाल्लाह रश लगता है, लोग आते सपोर्ट, उस पावर के बारे में क्या कहेंगे? ये सोशल मीडिया के एक पॉजिटिव रिव्यू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पॉजिटिव रिव्यू देना चाहेंगे? हाँ जी, सोशल मीडिया का बहुत साथ है मुझे, और ये कि बहुत वायरल हुए थे, बहुत ज़्यादा पब्लिकली टू मच थी, क्योंकि आपने हर मेरी वीडियो में सुना होगा कि जैसे बहुत पैनिक था, हम भी बहुत डिप्रेशन में आ गए थे, बिल्कुल पावर में आ गए थे कि किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह लोग जो है वो हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग दो दो घंटा भी खड़े रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया वाले भाई भी जो है वो मेरी सपोर्ट पे खड़े रहे हैं कि नहीं आप जो है अपने काम में जो है बर्तरी कर रही हैं, ठीक है करें, आराम से करें, कोई यहाँ लोगों ने इस तरह ये नहीं कहा कि आप उनके साथ लगी हुई हैं सोशल मीडिया के साथ, नहीं, लोग चाहते थे कि मैं वायरल। नादिन, ये थे हमारे जो वायरल आंटी हुई थी चाइनीज आंटी, अब आप इनकी ज़बानी सुन सकती हैं कि कितना फ़र्क पड़ा वायरल होने के बाद, अब भी इनको कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अब ज़रूर आएँ, टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो और मुनफरद और भी चीज़ें इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाई है, ज़रूर आएँ, उसी जगह पर ये मौजूद है और टाइमिंग भी 6 से रात 12 तक आप लोग टाइमिंग लेती है, 8:30 से 12, तो ये टाइमिंग आपने सुन ली तो ज़रूर आए सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।